सर एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने वित्त मंत्री को लेटर लिखा था कि बैंक लॉकर्स के अंदर जो लोग रखते हैं उसका डिक्लेरेशन किया जाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग ये समझते हैं लॉकर्स के अंदर कुछ भी रखा जा सकता है, सेफ है। क्या आप ये चाहते हैं कि इससे काला धन बाहर निकले या काले धन की समस्या ना खत्म हो? क्योंकि लॉकर जब खुलते हैं तो मालूम पड़ता है कि इसमें से तो करोड़ों रुपए की रजिस्ट्री निकल गई, लाखों रुपए के गहने निकल गए, करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात निकल गए, और हमारे यहाँ तो कई लोग भी हैं जो ले भी जाते हैं अपने साथ साथ विदेशों में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप इसको अनिवार्य क्यों कराना चाहते हैं? देखिए, ये घटना गोहाना में पंजाब नेशनल बैंक के अंदर एक लूटपाट हुई थी, बिल्कुल, और उस लूटपाट में लॉकर्स को तोड़ दिया गया था, लॉकर्स में से लोगों के गहने थे वो निकाल करके ले गए, बाद में वो बरामद भी हो गए। लेकिन बरामद होने के बाद एक झगड़ा हो गया आपस में सब लोगों का, उन्होंने जो डिक्लेरेशन की वो जितना उनका सामान था उसे कहीं ज्यादा कर गए, और कुल मिलाकर जो सामान बरामद हुआ उसमें से क्लेम उससे दोगुना से भी ज्यादा ये क्लेम पाए गए। अब वो झगड़ा इतना हो गया कि आज तक वो बंटवारा नहीं हो पाया कि किसका कितना है। उस समय हमने एक सुझाव दिया, भाई ये तो आपका पता ही नहीं किसका कितना है, तो आप अपनी डिमांड के हिसाब से और जो इस समय आपके पास सामान है प्रोपोर्शनेटली बांट के खत्म करना चाहिए। उस समय हमारी बात को लोग माने नहीं, बाद में कोर्ट में केस चला गया। अब कोर्ट में जाने के बाद वही लोग आज मानते हैं कि प्रोपोर्शनेटली हमको दे दो। लेकिन एक लंबा 2 साल तक ये घटनाक्रम होने के बाद हमको ध्यान में आया कि अगर ये पहले से डिक्लेयर्ड होता कि मेरा सामान कितना लॉकर में है तो ये झगड़ा नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि लॉकर्स आर मेंट फॉर सेफ्टी नॉट फॉर हाइडिंग द वेल्थ। लॉकर्स का एक पर्पज है कि उसमें आप सेफ्टी के लिए, अपने घर में चीज सेफ नहीं है, लॉकर में एक अच्छी व्यवस्था जाकर के सेफ्टी के लिए आप रख दें। लेकिन मैं क्या रखा है और क्या नहीं रखा है मैं छुपा करके करूंगा, तो इसका मतलब ये तो अल्टीमेटली एक गलत काम हम कर रहे हैं। उसमें से विचार आया, मैंने अपने वित्त मंत्री जी को एक पत्र लिखा कि हमारे यहाँ RBI के माध्यम से प्रावधान कराया जाए कि जो लॉकर में रखा जाता है वो जानकारी बैंक की जानकारी में भी होना चाहिए कि इस लॉकर में क्या रखा है, कल को उसकी सिक्योरिटी के साथ उसका बीमा कराना है, किसी भी कारण से उसका जो क्लेम बनता है तो क्लेम के साथ उसको टैली किया जाए, झगड़े ना हो, ये कारण है ताकि हम इसको हाइड ना कर सकें, सुरक्षित रखवा सकें, इसकी सेफ्टी जो है वो अनिवार्य करा सकें। इस बात को लेकर के मैंने पत्र लिखा है और मैं समझता हूँ कोई ना कोई इसका ठीक पॉजिटिव एक रिस्पांस मुझे मिलना चाहिए। अगर पॉजिटिव रिस्पांस मिलता तो बहुत प्रकार के झगड़े समाप्त हो जाएंगे।